न्यू ब्लॉग गाइस, देखो बहुत दिनों के बाद ला रही हूँ आज मैं, क्योंकि मुझे कोई टॉपिक मिल नहीं मिल पाता, इसलिए क्या कहते हैं आज ला रही हूँ कि आप देख ही रहे होंगे मेरा मेकअप का सामान। आज मैं नॉन ब्राइडल मेकअप करने वाली हूँ। मैं मेकअप करती नहीं हूँ इतना। आज मैं आपको दिखाऊंगी हल्का फुल्का सा मेकअप करना कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ, अगर खाली, अगर कभी कभार कहीं गई तो। वैसे तो कुछ नहीं लगाती, खाली नॉन ब्राइडल करती हूँ, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी। आप सीख भी सकते हैं, क्या आपके लिए बेटर रहेगा, क्या मैं यूज करती हूँ प्रोडक्ट, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये मेरे प्रोडक्ट हैं। पहले तो हम यूज करेंगे, पहले मैं यूज करूँगी ये फेस वॉश। ये नीम और एलोवेरा मिक्स का है। ये बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि एक भी पिंपल्स वगैरह नहीं होते। मैं यही यूज करती हूँ, मेरे मुंह पे एक भी पिंपल्स नहीं होंगे। और आप भी यूज कर सकते हैं गाइस, ये नीम का है और इसमें एलोवेरा भी मिक्स है। आगे मैं ये यूज करूँगी, उसके बाद दिखाते हैं। वॉश कर लिया है, देखो कितना ग्लो आ रहा है मुंह पर, एक भी पिंपल्स या कुछ भी नहीं है मेरे मुंह पर, देख सकते हैं आप। अब हम स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। सबसे पहले मैं ये निविया का ये लगाऊंगी वैसलिन, ये सही रहता है मुंह के लिए और हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है। ये निविया बहुत ही अच्छा है। ये इतना लगा लिया, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, थोड़ा मैंने कम कर लिया। ये हमने लगा लिया निविया का। इसके बाद हम लगाएंगे, मैं यूज करती हूँ बेबी क्रीम। ये क्रीम है, सिंपल सा मेकअप कर रही हूँ गाइस मैं, नॉन ब्राइडल। ये देखो ये बेबी क्रीम है, ये यूज कर रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छी क्रीम है ये। इतना ले रही हूँ, बहुत हो जाती है वैसे। इसको हमने लगा दिया, घोल लिया ऐसे। ये लगाने के बाद आप लगाते हो ये भी बेबी फाउंडेशन है, ये भी बहुत ही अच्छा है। क्रीम लगाने के बाद इसको लगा सकते हो आप, बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं मुंह मेरा ये हो गया। इसके बाद मैं फेस पाउडर तो ज्यादा लगाती हूँ, पर मेरा फेस पाउडर भी बेबी बेबी वाला है। फेस पाउडर भी मैं बेबी वाला लगाती हूँ। इससे ये वाटरप्रूफ वाला है, इससे अगर बारिश हो या पानी पड़े मुंह पर, ये हमारा मेकअप उतरता नहीं है। ये बेबी फेस पाउडर है, ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से आएगा। और इसके दो पहलू होते हैं, एक ये आएगा, एक पीछे से आता है, दो होते हैं, ये देख सकते हैं आप, दो आएंगे ये। एक इसमें जॉर्जेट लगा होता है और ये प्लेन है।
आप जो यूज करना चाहते हो वो कर सकते हैं आप। मैं यूज करूँगी प्लेन वाला। मैं पाउडर लगाती भी हूँ, खाली कभी कभार कहीं गई तो तब देख सकते हैं आप। ये वाटर प्रूफ है, ऐसा ही रहता है ये। आपका जो मतलब पानी हानी हो या खराब हो जाए मेकअप, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे अच्छे ब्रांड होती है सदर में, तो आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। बेबी करे अच्छा है, बेबी जैसे बेबी सॉफ्ट होता है वैसे ही होती है बेबी के प्रोडक्ट जितने भी होते हैं। मैं अक्सर यही यूज करती हूँ और क्रीम नहीं करती। होने को मेरे पास बहुत सारे क्रीम है। ये कर दिया हमने, फेस पाउडर भी कंप्लीट हो गया देख सकते हैं आप। अगर जो जिसके पास इससे थोड़ा वो होता है, अगर लगवाना है तो किसी ने मतलब ये लगवाना है तो ये भी लगा सकता है, अगर नहीं लगवाना है तो नहीं। पर मैं यूज नहीं करती, ऐसा का ऐसा ही पड़ेगा, इसमें यूज नहीं करती। जैसे मैंने पिंक पहना है, ये पिंक के मैं ऐसा लगेगा, जैसे ये कलर है ये पिंक है, तो हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, गालों में भी लगा सकते हैं, आंखों में। मैं हल्का हल्का कर रही हूँ। मैंने ये नहीं कि कभी ब्यूटी पार्लर कोर्स करा होगा या कुछ, ऐसे ही आ जाता है आजकल सारे यूट्यूब वगैरह हुए या फोन वगैरह हुए, ये यूज कर सकते हो आप। मेरे आईब्रो तो सही है, कोई मतलब किसी चीज की या जरूरत नहीं है या कुछ नहीं है, बस जरूरत नहीं है कुछ लगाने की। वैसे आपकी जानकारी के लिए लगा देती हूँ मैं। सबसे छोटा वाला ये, इससे लगा सकते हैं आप, अगर ब्लैक वाला जो है उसी में से ऐसे करके बहुत ही हल्का हल्का। अगर जो हल्का हल्का मेकअप करना चाहे वो लेडीज के लिए है या गर्ल्स के लिए है, इस तरीके से ये हमारा मेकअप हो गया। देख सकते हैं आप। इसके बाद मेरे पास ये दो आईलाइनर है, एक ब्लू कलर का है एक ब्लैक कलर का। ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है AVS का, ये ब्लैक वाला, ये भी मतलब अच्छा लगता है। वाटरप्रूफ तो नहीं है पर अच्छा लगता है, और ये वाटरप्रूफ है, अगर पानी भी पड़े तो ब्लू वाला निकलता नहीं है, पर मुझे ये ब्लू वाला अच्छा लगता है, इसको लगाऊंगी, आप भी देखना। ये है गोल्ड का आईलाइनर, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है आईलाइनर लगाना, पर मेरे से अपनी आंखों में अच्छे से लगाया जाता है, सामने वाले की आंखों में नहीं लगाया जाता अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, मैंने आईलाइनर भी लगा लिया, कैसा लग रहा है। तो मैंने ब्लू वाला आईलाइनर लगा लिया, अब थोड़ी देर ये सूखेगा। और मेरे पास ये वाला आईलाइनर है, एक जॉर्जेस वाला, ये वाइट कलर का, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, कभी कभार मैं यूज करती हूँ, अच्छा लगता है। अगर नहीं, अभी तो ऐसे नॉन ब्राइडल करती हूँ मैं, क्या कहते हैं। उसके बाद मैं यही कर रही हूँ, ब्यूटी एक्सिया का ये कर रही हूँ यूज, लिपस्टिक, वाटरप्रूफ लिपस्टिक है ये। ये ऐसे भी लगा सकते हैं, आगे हम गाइस इसको इधर तरफ से लगाएंगे। इधर तरफ से लगाएंगे, इसी में ये दोनों तरफ से आती है, फिर हम इधर तरफ से लगाएंगे। ये वाटर प्रूफ है, ये भी वाटर प्रूफ है, अगर ये भी लगाना चाहते तो ये लगा सकते हैं आप।
देख सकते हैं आप। मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, और झकमक मुझे यही अच्छा लगता है। लिप्स का ये कलर ये यूज करती हूँ मैं, ज़्यादा वो यूज नहीं करती डार्क कलर। ये हमारा लिप्स का हो गया। बस गाइस हमारा लगभग हो चुका है मेरा नॉन ब्राइडल मेकअप। मैं ज़्यादा मैं जब इधर उधर गई तभी करती हूँ, बस इससे ज़्यादा मेकअप नहीं करती। क्योंकि देखो होने को बहुत कुछ होते हैं पर अपनी अपनी वो ख्वाहिश होती है कि क्या मेकअप करे क्या नहीं करे। तो मैंने बस कुछ टॉपिक मिल नहीं रहा था तो ये बना दिया। आप लोग जरूर बताइएगा कि मेरा मेकअप लुक्स कैसा लग रहा है गाइस। और मैंने ये सब यूज करा, ये देख सकते हैं आप। ये होने को बहुत कुछ है, ये सब कुछ है, ये होने को मेरे पास बहुत कुछ है पर मैंने इतना सारा यूज नहीं किया। मैंने खाली सिंपल सा मेकअप कर रखा है बस नॉन ब्राइडल। तो आप लोग बताओ बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है मेरा मेकअप और कैसे लग रही हूँ मैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को मतलब मंगवाना है, या मैं कभी कभार यूके या उत्तराखंड आती हूँ, अगर किसी को मंगाना है तो मेरे से मंगा भी सकता है प्रोडक्ट, बेबी क्रीम या बेबी के कुछ भी प्रोडक्ट मंगा भी सकता है, मैं ला दूंगी। बस इतना कर सकती हूँ। अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा तो कृपया कमेंट और लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सबका।